बात करेंगे रुद्रप्रयाग की, जहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार की सराहनीय पहल पर संगम तट रुद्रप्रयाग को योग केंद्र के रूप में विकसित करने की शुरुआत की गई है। इसका आगाज रविवार सुबह जिला स्तरीय अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने संगम तट पर योग कर किया है। बता दें कि विधायक भरत सिंह चौधरी ने जिलाधिकारी के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि भगवान रुद्रनाथ की नगरी में संगम तट पर योग अभ्यास शुरू होना हमारे लिए गर्व की बात है। भगवान नारद की इस तप स्थली का सदुपयोग पहली बार जनपद में शुरू हो सका है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर, मस्तिष्क और भौतिक बाध को त्यागना ही योग का उद्देश्य है और इसके लिए नियमित योग अभ्यास होना जरूरी है। उन्होंने जिला पर्यटन अधिकारी को संगम तट को योग केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अनिवार्य प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नगर पालिका को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं। इस मौके पर योग गुरु मयंक पवार ने भी योग का प्रशिक्षण दिया है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। रुद्रनाथ की भूमि में योग की जो क्लासेज हैं वो शुरू हुई हैं और जिले के सभी जिला स्तरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं और आने वाले समय में जो तीर्थयात्री हैं, जो पर्यटक हैं, उनको भी ये सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। और कहते हैं कि निराश्रित कर्म फल, निराश्रित कर्म फल को लेकर के जो कर्म किए जाते हैं वो योग कहलाते हैं। और योगी सिर्फ वो नहीं है, जैसे कि आपने कहा योगासन से हम लोग सोचते हैं कि जो फिजिकल एक्सरसाइज है अधिकतर लोगों ने उसको ही योग मान लिया है। योग के 8 जो अंग हैं उनके बारे में आपने बताया। इन सभी लोगों ने ये सोचा कि हमें ये करना है, इस आधार पर हम इस दिशा में बढ़े हैं और आपके मार्गदर्शन में हम इसको और आगे ले जाएंगे। सेकेंड टाइम चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, जितने लोग आए हैं ये हम लोग एवरी वीक करेंगे। अभी स्टार्टिंग डेली करना अभी थोड़ा मुश्किल है, टाइम को हमें थोड़ा सा देखना होगा, लेकिन हम डेली वीक मतलब हर हफ्ते इसको हम करेंगे संडे को ही। आज मुख्यतः जितना मुझे याद है, अगर मैं गलत होगा तो बता दीजिएगा, 5 आसन सिखाए गए हैं।